तो फाइनली भोजपुरी सिनेमा की शेरनी जो इस वक्त बिग बॉस के घर में है यानी कि अक्षरा सिंह, उसने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। कल के दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि अक्षरा सिंह ने जो है शमिता शेट्टी और इन लोगों को कहा था खाने को लेकर, या राइट ये साबूदाना की खिचड़ी की इन्होंने कुछ बनाई होगी, खिचड़ी बनाई होगी, तो वो कम पड़ गया था। इनफैक्ट अक्षरा को मिला ही नहीं और अक्षरा ने आवाज उठाई कि यार ये किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक बार फिर से भोजपुरी की ये सुपरस्टार जो हैं, जो कि कहीं ना कहीं निशान ने बोलता भोजपुरी की आलिया भट्ट जो हैं, तो इन्होंने अब अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे करके ये सबको अपने रंग दिखा रही हैं। बता दो तो अक्षरा जी ने कहा था कि मुझे मिमिक्री करना बहुत पसंद है और उसी का ही सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने घर के अंदर दिया। होप सो आज के एपिसोड में हम देखें या फिर कल के एपिसोड में वो देख सकते हैं। दरअसल क्या हुआ कि शमिता शेट्टी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, यानी कि उनके बकायदा उनके ओट्स जो आए उसमें शमिता शेट्टी ये लिखा हुआ था। और इसको पढ़ने के बाद जो है अक्षरा ने यही बात बोली कि यार ये क्या मतलब बिग बॉस, ऐसा क्या ये गेहूं और अनाज से, गेहूं और चावल से तो हमको भी ब्लोटिंग होती है, हमने तो कुछ नहीं कहा, ये स्पेशली इनको ट्रीटमेंट क्यों। और इसी को लेकर शमिता शेट्टी के साथ उनकी हल्की सी झड़प भी हुई थी दोस्तों। फिर उसके बाद जब शमिता वहां से निकली राइट, तो जैसे शहनाज नहीं करती थी मिमिक्री, तो वैसे ही भोजपुरी सुपरस्टार यानी कि अक्षरा सिंह ने भी मिमिक्री करनी शुरू कर दी शमिता शेट्टी की करके। और दोस्तों वो इतना फनी था, जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे थे स्पेशली प्रतीक प्रतीक ये सब जो बैठे थे मूस, तो ये सब है ना एकदम मुंह फाड़ कर हंसने लग गए, सोचिए इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी। सो ऐसे में अब ये चीजें सामने आई हैं, धीरे धीरे करके अक्षरा अपने रंग में आ रही हैं और अक्षरा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मैं अभी कह रहा हूं, और वो धीरे धीरे कर खुलेगी एंड उम्मीद यही है कि वो अच्छा करेंगी। आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे चैनल के साथ, देखते रहे फीफा फूल्स।